हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ आपके साथ मनप्रीत खुल्ला। टीम अमित कपूर की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक बेहद इंटरेस्टिंग है। उस प्लैनेट की आज हमने बात करनी है जिसका मोशन चेंज होने वाला है, जिसके डोमेन है कम्युनिकेशन, ट्रेडिंग, फाइनेंसेस। सो कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं कि कोई बच्चा गरीब परिवार में पैदा हो रहा है लेकिन वो व्यापारी बन जाता है बड़ा। क्यों? क्योंकि उसका जो मर्करी है वो हॉरोस्कोप में बहुत अच्छा वेल प्लेस्ड होता है। सो ऐसे ही 26 अगस्त को एक प्लैनेट जो है वो अराइज होने वाला है, मर्करी अराइज होने वाला है कर्क राशि में, जिसके बारे में आज हमने डिटेल में बातचीत करनी है कि एरीस असेंडेंस से लेके पाइसिस असेंडेंस तक उसके क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे, क्या क्या इवेंट्स होने वाले, क्या क्या इफेक्ट्स होंगे। सो आज हमारे साथ रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर अमित कपूर है, उनके साथ बातचीत करेंगे डिटेल में कि क्या क्या इफेक्ट्स, क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले। सो बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका। नमस्कार, नमस्कार। सो अमित जी, जरूर बहुत। सो अमित जी, जिस टॉपिक पे आज हमने बातचीत करनी है उसके बेनिफिट्स के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि एरीस असेंडेंस से पाइसिस असेंडेंस तक क्या इफेक्ट्स बेनिफिट्स होने वाले हैं। देखिए, इफेक्ट और बेनिफिट्स जो हैं, मर्करी जब राइज होंगे 26 अगस्त को, वो डिफरेंट डिफरेंट है बेस्ड ऑफ द असेंडेंस है। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि कम्युनिकेशंस बेटर होंगी, ट्रेडिंग बेटर होगी। स्टॉक मार्केट में काफ़ी जो अनबैलेंसिंग सिचुएशंस हैं, चल रही हैं 26 अगस्त से पहले, वो थोड़ी सी कंट्रोल में आएंगी। जो लोग बिजनेस करते हैं, किसी किस्म की भी ट्रेडिंग करते हैं, उनको उसमें बेनिफिट मिलेंगे, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, इनकम जनरेट होगी। और ख़ास करके स्टूडेंट्स के लिए भी मर्करी का राइज होना बहुत अच्छे इवेंट्स लेकर आएगा। और इसके अलावा मर्करी का राइज होना, जो लोग फॉरेन में जाके स्टडी करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन इन अब्रॉड चाहते हैं, उनके लिए भी मर्करी का राइज होना 26 अगस्त के बाद उनके काफ़ी पॉजिटिव इवेंट्स लेकर आएगा। बिल्कुल। सो अलग अलग असेंडेंसी बात करेंगे हम। सबसे पहले एरिस की बात करेंगे कि एरिस का जो क्या बेनिफिट होगा, क्या इवेंट्स रहने वाले हैं। जी मनप्रीत जी, एरिस के लिए जो मर्करी हैं वो 3rd और 6th हाउस के लॉर्ड हैं, और 4th हाउस में कैंसर साइन में वो जो है राइज होने वाले हैं। और मर्करी का कैंसर साइन में राइज होना सबसे पहले तो एरिस के लिए फैमिली एटमोसफेयर को अच्छा करेगा, मदर की हेल्थ को अच्छा करेगा, मदर के साथ डीलिंग्स को अच्छा करेगा, जॉब में, बिजनेस प्रोफेशन में थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेकर आएगा। क्योंकि एरीज के लिए मर्करी बेनिफिशियरी प्लैनेट नहीं है, योग कारक प्लैनेट नहीं है, उसके बावजूद भी 4th हाउस केंद्र स्थान में मर्करी की पोजीशंस को शुभ माना गया है। तो 26 अगस्त से एरीज के लिए मदर की हेल्थ बेटर होगी, मेंटल पीस थोड़ा मिलेगा, घर का माहौल अच्छा होगा, बिजनेस प्रोफेशन में स्मॉल गेन्स या प्रॉफिट्स आने शुरू होंगे, जो तकरीबन पिछले 20-25 दिनों से काफ़ी स्लो डाउन चल रहा था, उसमें एक पॉजिटिव मोमेंट एरीस असेंडेंस के लॉग यहाँ पर देखेंगे। सो टॉरस का भी जरूर जानना चाहिए। जी, टॉरस असेंडेंस के लिए तो मर्करी बहुत ही बड़े बेनिफिशियल प्लैनेट है, बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट है। 2nd और 5th हाउस की लॉर्डशिप है, और 3rd हाउस में यहाँ पर कैंसर साइन में राइज हो रहे हैं। आपके देखें, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी प्लान करेंगे आप, और उस जर्नी के थ्रू आपको बेनिफिट्स होंगे। कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, फ़ोन कॉल, ईमेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। और आपके यंगर सिबलिंग्स को आप सपोर्ट करेंगे, या आपके यंगर सिबलिंग्स को आपकी किसी एडवाइस की ज़रूरत पड़ सकती है, और समय आने पर आप उनको एडवाइस करेंगे। मर्करी 3rd हाउस में वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है टॉरस के लिए, गोचर में, ट्रांजिट में, तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका यहाँ पे बिल्ट होगा, करेज, ब्रेवनेस आपकी बढ़ेगी, स्ट्रांग विल पावर के साथ साथ आप नए नए आयाम, कीर्तिमान स्थापित करेंगे, जिससे आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट और काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो जेमिनी के बारे में भी जरूर। जी, जेमिनी के लिए तो मनप्रीत सबसे बड़ी बात है कि लगन के ही लॉर्ड हैं, और 2nd हाउस में ये राइज हो रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है। जैसे टॉरस के लिए अच्छा है, वैसे ही जेमिनी के लिए भी यहाँ पर मर्करी का राइज होना अच्छा है। अब 2nd हाउस में फैमिली की सपोर्ट मिलेगी, वे ऑफ टॉकिंग बड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी, सेविंग्स आपकी अच्छी होंगी, यू नो मल्टीपल सोर्स से अर्निंग होगी, जिसको हम बोल सकते हैं कि वेल्थ अकोमोलेट का हाउस जो है वो 2nd हाउस है। पैसे की सेविंग्स, प्रीशियस मेटल बाय करना, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड बाय करना, और यहाँ पर जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, कंसल्टेंट हैं, या किसी किस्म के कोच हैं, या टीचर हैं, या योगा टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके लिए अच्छी खासी आमदन होगी। और आपका बिजनेस कारोबार में भी एक जेमिनी काफ़ी अच्छा पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। 26 अगस्त के बाद जो चीज़ें दिमाग में अटकी पड़ी थी वो आपकी डे बाई डे सॉल्व होती जाएंगी। जो प्रॉब्लम्स थी, जो डिलेज थे, वो आपके सॉल्व होंगे, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे वो रिजॉल्व होंगे, थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड आफ्टर 26th अगस्त 2024 फॉर जेमिनी। दिस इज एक्सीलेंट ट्रांजिट फॉर मोशन चेंज फॉर मर्करी इन योर 2nd हाउस।
कैंसर? देखिए कैंसर को लेकर अगर हम देखें तो लगन में ही मरकरी जो है वो राइज हो रहे हैं जी, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो आपकी प्रवृत्ति है 26 अगस्त के बाद कैंसर आपकी कंजूसी वाली प्रवृत्ति बनेगी, पैसा खर्च करने से पहले सोचेंगे, लेकिन फॉरेन ट्रेवल्स आपके वेट कर रहे हैं या फॉरेन सेटलमेंट के लिए अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो 26 अगस्त के बाद आपको यहाँ पर फॉरेन से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, फॉरेन ट्रेवल्स हो सकते हैं और उसमें आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है और साथ में शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी बेनिफिटेड रहेगी। फॉरेन में जाके एजुकेशन चाहते हैं या फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं तो मरकरी का राइज होना आपको हर एक तरह से यहाँ पे बेनिफिट आपके लिए लेकर। सो लियो सेंडेंस के लिए कैसा टाइम रहेगा? जी लियो के लिए तो देखिए सेकंड और 11th हाउस के लॉर्ड हैं, 12th हाउस में राइज हो रहे हैं 26 अगस्त से, ये भी बहुत पॉजिटिव इवेंट है यहाँ पर आने वाला है। इनकम जो है फॉरेन से आपको मिलने वाली है, फॉरेन से कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट एंड रिसोर्सेज, वन ऑफ द एक्सेलेंट पीरियड इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन सेटलमेंट फॉर लियो सेंडेंस। और ख़ास करके अगर आपके फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई काम पेंडिंग चल रहा था तो वो 26 अगस्त के बाद आपका काम क्लिक हो जाएगा एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड यू विल एंजॉय वेरी गुड टाइम इन फॉरेन लैंड। लेकिन अपने दोस्तों के साथ, अपने वेल विशर्स के साथ एरोगेंस नेचर ईगो को मत लेकर आए बीच में, नहीं तो आपके काफ़ी स्ट्रांग रिलेशनशिप या एक क्लोज रिलेशनशिप आपके वेल बींग्स के साथ आपके रिश्ते जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। यहाँ पर वर्गों के बारे में बता दीजिए। जी जी, वर्गों असेंडेंस के लिए 11th हाउस में जो मरकरी है वो राइज हो रहे हैं 26 अगस्त को, यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव इवेंट आपके लिए आ रहे हैं, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर और विशेज होगा, तो मेजर डिज़ायर आपकी फुलफिल होगी, मल्टीपल सोर्स से आपको अर्निंग मिल बढ़ेगी और आपको बड़े भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि बड़ा ऑर्डर आपको बिजनेस में मिलने वाला है अगर आप बिजनेसमैन है तो, अगर जॉब में है तो प्रमोशन इंक्रीमेंट होने वाला है। मरकरी का राइज होना 11th हाउस में मल्टीपल सोर्स से अर्निंग के साथ साथ आपके लिए नेम फेम प्रोस्पैरिटी ये भी लेकर आएगा, सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई रहेंगे, एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग एज ए कमीशन ब्रोकरेज आपकी ऐड होगी और जो भी आप करेंगे उसमें आपको काफ़ी प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स और काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स हम बोल सकते हैं देखने को मिलेंगे। सो लिब्रा असेंडेंस का टाइम कैसा रहेगा? जी लिब्रा के लिए 10th हाउस फिर से केंद्र स्थान में बुध जो है वो राइज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे मनप्रीत थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली, ये तीन चार चीज़ें तो काफ़ी पॉजिटिव चलेंगी, ये कोई नया ऑर्डर बड़ा ऑर्डर बिजनेसमैन को मिल सकता है, जॉब चेंज करने वाले हैं आप तो आपकी जॉब चेंज हो जाएगी, आपके जो एफर्ट्स आप पिछले एक दो महीने से लगा रहे थे वो आपके 26 अगस्त के बाद आपके एफर्ट्स जो होंगे रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपके फादर की हेल्थ बेहतर होगी, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेंस आपको होंगे या कोई नया व्हीकल भी आप बाय करेंगे। 10th हाउस में मरकरी राइज होंगे, 7th एस्पेक्ट से आपके फोर्थ हाउस को देखेंगे तो डेफिनेटली आप कोई नया व्हीकल प्रॉपर्टी या घर बाय कर सकते हैं। क्या बात है, स्कॉर्पियो के बारे में भी डिटेल में जी बता दीजिए। स्कॉर्पियो के लिए मनप्रीत जी देखें 8th हाउस और 11th हाउस की लॉर्डशिप है और 9th हाउस में जो बुध है वो राइज होंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे फॉरेन से गेन आपको मिलेगा, फॉरेन से कोई बड़ा धन लाभ आपको होगा, फॉरेन ट्रैवल्स होंगे आपके और मरकरी का राइज होना आपके लिए फॉरेन सेटलमेंट भी साथ में लेकर आ रहा है कि अगर आप विदेश कंपनी खोलना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कोई ट्रेड करना चाहते हैं या आप इम्पोर्टर एक्सपोर्टर हैं तो 26 अगस्त के बाद स्कॉर्पियो आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। बट ओवरऑल मरकरी का ट्रांजिट आपके 9th हाउस में फॉरेन से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपको दिलाने में कामयाब हो जाएगा। सेजिटेरियस असेंडेंस? जी सेजिटेरियस के लिए मनप्रीत देखें 7th हाउस की लॉर्डशिप जो है वो मरकरी के पास है, 10th हाउस की लॉर्डशिप मरकरी के पास है, 8th हाउस में यहाँ पे राइज हो रहे हैं, बहुत बड़े स्ट्रेस से जो सेजिटेरियस धनु निकल रहे थे वो बाहर आने वाले हैं। 26 अगस्त के बाद आपका स्ट्रेस कम होगा, आपकी टेंशन खत्म होगी, पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा, कम्फर्ट जोन में आप रहेंगे, हालांकि अष्टम भाव में हैं बुध जो कि ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन कंबस्ट पोजीशन से बाहर आ जाएंगे, मोशन चेंज होगा तो डेफिनेटली 25% आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, तो जो डर था, जो खौफ था, इनकम को लेके जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व होगी और आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या होता है, सो कैप्रिकॉर्न असेंडेंस? जी कैप्रिकॉर्न के लिए अगर हम देखें तो 7th हाउस में मरकरी जो है वो राइज हो रहे हैं, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, पार्टनरशिप आपकी होगी, नए फाइनेंसेस आपको मिलेंगे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलेगी, एनिमीज आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, शत्रुहंता आप बनेंगे, थिंग्स विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल एंड यू विल एंजॉय बेनिफिट्स कम्फर्ट रिसोर्सेज, दिस इज अ वन ऑफ द फंटास्टिक टाइम इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी, खास करके अगर कोई आपके शत्रु थे
तो वो इस समय परास्त हो जाएंगे, आप शत्रु अंता बनेंगे, यानी आप अपने एनिमीज पे विन करेंगे. सो दिस अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी रिवार्डिंग टाइम इन द टर्म्स ऑफ योर अर्निंग्स, इन द टर्म्स ऑफ योर पर्सनैलिटी, इन द टर्म्स ऑफ योर गुडविल. और साथ में जो डर है आपका लोगों के ऊपर वो बढ़ेगा. और बुध का आपके स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ टाई अप जो है वो और अच्छा करने में बुध यहाँ पे कामयाब रहेंगे. एक्वेरियस असेंडेंट जी, एक्वेरियस के लिए सिक्स हाउस में जो बुध है वो राइज हो रहे हैं. कर्ज से छुटकारा मिलेगा, या कोई नया लोन लेके पुराना लोन आप चुकता करेंगे, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपकी होंगी. ये डेट जो है वो है 26th of August. इसके बाद आपको फौरन से कोई इन्विटेशन आ सकता है, फौरन से कोई प्रपोजल आ सकता है और चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइड पर चलेंगी. मेंटल स्ट्रेस आपका थोड़ा कम होगा. जॉबलेस जो अगर आप हैं तो 26th August के बाद आपको जॉब मिलने वाली है. रिसोर्सेज आपके यहाँ पे बनने वाले हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर होने वाली हैं. खास करके रोग ऋण शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा. खर्चा ज़रूर बड़ा चढ़ा रहेगा लेकिन इनकम के रास्ते भी साथ में यहाँ पे खुलते जाएंगे. और पाइसिस, देखिए पाइसिस के लिए 5th house में मरकरी राइज हो रहे हैं. स्टॉक मार्केट से कुछ स्मॉल बेनिफिट 26th को आपको मिलेंगे और उसके बाद आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टॉक मार्केट से मिलेंगी. बच्चों के साथ ताल्लुकात आपके अच्छे होंगे, लव लाइफ आपकी बेहतर होगी. लेकिन करक साइन में होने की वजह से उस तरह की लव लाइफ नहीं चलेगी जैसे आप चाहते. कुछ ना कुछ आर्गूमेंट्स, कॉम्प्लिकेशंस आपके लवर के साथ, स्पाउस के साथ बने रहेंगे. लेकिन अपॉर्चुनिटीज़, गेन्स, रिवॉर्ड्स, बच्चों के साथ टाई अप, अगर आप बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़े हैं तो वहाँ से गुड न्यूज़ मिलना, बच्चों की तरफ से गुड न्यूज़ मिलना, कोई आप डील साइन कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, या किसी किस्म का भी कोई आप हॉलीवुड बॉलीवुड से जुड़ा कार्य करते हैं तो उसमें कोई नई डील, नया साइनिंग अमाउंट आपको मिलने वाला है. सो बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए. डिटेल में आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए बहुत थैंक यू. सो जैसे अमित जी ने आज सारी डिटेल दे दी है, एरिस असेंडेंस से लेके पाइसिस असेंडेंस तक कैसा रहेगा टाइम, कैसे होंगे आपको बेनिफिट्स, ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा. और अगर आप लाइफ रिपोर्ट अपनी बाय करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अमित सर से बातचीत कर सकते हैं. सो फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त. धन्यवाद जी, नमस्कार.